तीन चालाक बकरियां। सोना, मोना और गोना नाम की तीन बकरियां थी जो बबीता के घर में रहा करती थी। बबीता बहुत ही प्यारी लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ गांव में रहा करती थी। रोज शाम को बबीता स्कूल से घर आने के बाद बकरियों को चारा खिलाने के लिए जंगल की तरफ ले जाती। चलो आओ बकरियों, चलो जंगल की तरफ चलते हैं। आज खाने को बहुत कुछ मिलने वाला है। हरी हरी घास, बहुत सारे खीरे, मजा आ जाएगा। तीनों बकरियां बहुत आलसी थी। तीनों को हर रोज बबीता के साथ जंगल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन तीनों ने चालाकी करने की सोची। सोना बकरी ने मोना बकरी से कहा, मेरे तो सर में बहुत दर्द, आंखों से कुछ नजर भी नहीं आ रहा। मैं तो सोचती हूँ बबीता को कह दूंगी, इतने दोपहरी में मैं नहीं जाने वाली जंगल, वो मेरे लिए आते हुए घास लेती आए, मैं वही खा लूंगी। दूसरी चालाक बकरी मोना ने कहा, मेरे भी पैर में बहुत दर्द है, लगता है आज जंगल जाना मुश्किल होगा, बबीता से बात करके देखती हूँ। तीसरी चालाक बकरी गोना समझ गई कि दोनों चालाक बकरियां आज बहाना बनाकर यहाँ घर में रुकने का इंतजाम कर रही हैं। तीसरी ने भी बहाना मन ही मन सोच लिया और बबीता के आते ही जैसे ही सोना और मोना की रस्सी खोलने के लिए वो हुई तो सोना और मोना ने अपना अपना बहाना बबीता से कहा। क्या कहा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा ये बात है। और मोना ये क्या, तुम्हारे पैर में दर्द है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम दोनों के लिए घास में घर में ही ले आऊंगी, तुम दोनों घर में ही ठहरना। तीसरी चालाक बकरी ने तुरंत बबीता से कहा, सुनो बबीता, अगर घर से सभी लोग चले जाएंगे तो इनका ख्याल कौन रखेगा? मैं चाहती हूँ इन दोनों का ख्याल रखूं। मुझे ज्यादा भूख नहीं है, थोड़े से खीरे लेती आना। इन दोनों को कोई जरूरत हुई तो मैं यहाँ हूँ, तुम निश्चिंत होकर जाओ। बबीता गोना की बात समझ जाती है और चुपचाप बाकी बकरियों को लेकर जंगल में चली जाती है। बबीता के जाते ही तीनों बकरियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। चालाकी ही सही, धूप में जाने से तो बच गए। हाँ हाँ, तुम दोनों की चालाकी तो मैंने देख ही ली और इसीलिए मैंने भी बहाना बना दिया ताकि मुझे भी जाना ना पड़े। पूजा अपने घर की बाहर हमेशा साफ सफाई करती रहती थी। एक दिन वो कुछ बीज लगाती है और उनसे मटर का पौधा निकलता है। पूजा की खिड़की के बिल्कुल पास वो पौधा लग जाता है। पौधे पर छोटी छोटी मटर की फलियां निकलती हैं। उनमें से चार पहले मटर के दाने बहुत कच्चे होते हैं जिन्हें पूजा की खिड़की साफ दिखाई देती है। वो रोज पूजा का गाना सुनते हैं और मजा करते हैं। वाह, पूजा कितना अच्छा खाती है ना? हाँ, बहुत सुंदर। सभी को उसका गाना सुनने में बहुत मजा आता है, लेकिन एक मटर की फली का दाना सबसे ज्यादा पूजा को चाहता है। वो हमेशा खिड़की के पास पूजा का इंतजार करता रहता है। कब आएगी पूजा? सारा दिन निकल गया, आज वो नजर ही नहीं आ रही। एक दिन पूजा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मटर की फली का दाना देखता है कि घर में डॉक्टर आ रहे हैं, आसपास के पड़ोसी आ जा रहे हैं। वो दो महिलाओं की बातें सुन लेता है। अरे बहन, पूजा की हालत तो सही नहीं लगती, ना जाने क्या हो गया है इसे, बिल्कुल बात नहीं करती, बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं ले रही। डॉक्टर तो कहता है इसकी इच्छा शक्ति पर ही सब निर्भर करता है, ना जाने ये कब ठीक होगी। बेचारी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। मटर का दाना जब ये बात सुनता है तो भगवान की आराधना करने लगता है और पूजा की तंदुरुस्ती की कामना करने लगता है। एक दिन खूब तेज तूफान आता है। अपनी इच्छा शक्ति के कारण वो मटर की फली का दाना सीधा पूजा के कमरे के अंदर जा गिरता है और उसे बातें करने लगता है। पूजा उठो, तुम्हें क्या हुआ है? यूं क्यों लेटी रहती हो?
आखिर बात क्या है? मुझे देखो, मेरी इच्छा शक्ति मुझे तुम्हारे पास तक ले आई और तुम बिस्तर से ही नहीं उठ रही हो। पूरा जीवन तुम्हारे सामने है। उठो पूजा, उठो, तुम्हें उठना ही होगा। पूजा मटर के दाने की आवाज सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो देखकर हैरान रह जाती है कि मटर का दाना उससे बातें कर रहा है। तुम बात कर सकते हो? ये कैसे हुआ और तुम यहाँ कैसे आए? ये मेरी इच्छा शक्ति है, इसीलिए। तुम्हें भी अपनी इच्छा शक्ति को जगाना होगा। हम सब के अंदर वो है, मगर उसे जगाना इंसान के अपने अंदर होता है। कोशिश करो, उठो, जागो, अच्छा खाना खाओ, पानी लगातार पियो। धीरे धीरे तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगी पूजा। धीरे धीरे रोज कहने पर पूजा उसकी बात मान लेती है। मटर की फली के दाने को अपने खिड़की के पास छोड़ देती है। अब तुम यहीं रहो, मैं खाना भी खाती हूँ, समय पर पानी और दवा भी लेती हूँ। उम्मीद तो है धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। क्यों नहीं, तुम जरूर ठीक हो जाओगी, पहले से तुम बहुत अच्छी हो चुकी हो। धीरे धीरे पूजा तंदुरुस्त हो जाती है। एक दिन बरसात के बाद पूजा का ध्यान अपनी खिड़की पर जाता है। वो देखती है कि मटर का दाना अब फिर से एक पौधा बन चुका है। वो उसे रोज पानी देती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उस मटर के दाने ने ही उसे इच्छा शक्ति हमेशा बनाए रखना सिखा दिया था। मंदिर के सामने बहुत से गरीब लोग रहा करते थे, जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते। उन्हीं में एक लड़का था संतू, जो हमेशा कुछ फूल और पत्ते लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए गुलदस्ता बनाया करता। सभी भक्त उसके गुलदस्ते बड़े चाव से खरीदते और मंदिर में चढ़ाते। एक दिन जब संतू फूल बेच रहा था, फूल ले लो, फूल, सुंदर सुंदर फूल, प्रभु के चरणों के लिए फूल ले लो। तभी वहां से एक सेठ गुजरा। अरे वाह, कितना सुंदर गुलदस्ता है, ये सब मुझे दे दो बेटा। सेठ ने सभी गुलदस्ते ले लिए और मंदिर में चढ़ा दिए। पुजारी ने सभी गुलदस्ते मंदिर में मूर्ति के आसपास लगा दिए। सभी लोग देखकर हैरान थे कि मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। सेठ ने संतू से जाते हुए कहा, मैं तुम्हें रोज इतने ही पैसे दिया करूंगा, क्या तुम इन पैसों में रोज मंदिर के भीतर जाकर मंदिर की सजावट करोगे? जी हाँ, जरूर करूंगा। अब हर रोज संतू मंदिर को सेठ जी के आने से पहले बहुत अच्छे से सजा देता। सेठ उसे खूब पैसे देता। एक दिन सेठ ने संतू को कुछ ज्यादा पैसे दिए। सेठ जी, आज ज्यादा पैसे क्यों? आज मेरी बेटी की शादी है, मैं बहुत खुश हूँ, बस इसीलिए। तुम रख लो और हाँ, शादी में जरूर आना। संतू बड़ा सा गुलदस्ता लेकर शादी में पहुंचा। उसने देखा सेठ तो बहुत परेशान है। क्या हुआ सेठ जी? अरे बेटा, आज जो कारीगर सजावट के लिए मैंने बुलाए थे, वो अभी तक नहीं पहुंचे, और जानते हो बारात आती ही होगी। संतू ने झट से पूरा घर सजा दिया। इतनी सुंदर सजावट की कि आने वाले बाराती सभी देखते रह गए। सभी संतू की तारीफ किए बिना नहीं रह रहे थे। अब एक एक करके सभी बड़े पैसे वाले लोग संतू को जानते थे और उसे अच्छा काम मिला। शादी में आए बहुत से लोगों ने संतू की तारीफ की और उसे खूब काम दिया। देखते ही देखते संतू अपनी मेहनत से करोड़पति बन चुका था और अब गरीबी उसे छू भी नहीं पा रही थी। लकड़ी का छाता। एक गांव में श्याम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काट कर लाकर दरवाजा बनाने वाली फैक्ट्री में बेचा करता था। वो बहुत मेहनती, ईमानदार और अकलमंद था। श्याम को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, लेकिन बचपन में गरीबी के कारण वो सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़ सका था। इसलिए उसका ख्वाब था कि उसका बेटा सोनू पढ़ लिखकर बहुत अच्छा आदमी बने। श्याम ने अपने बेटे सोनू का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा रखा था। वो दिन रात इसीलिए मेहनत करता था ताकि अपने बेटे सोनू को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवा सके। श्याम का बेटा सोनू भी अपने पापा की तरह ही काफी अकलमंद था और पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल आता था। पापा पापा, देखो मेरा सर्टिफिकेट, इस बार भी मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ।
शाबाश बेटा, ऐसे ही लगे रहो। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन मेरा नाम खूब रोशन करोगे। मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक साल काफी बरसात होने के कारण दरवाजा बनाने वाली फैक्ट्री को काफी नुकसान हुआ और मजबूरी में उन्हें अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। ये सुनकर श्याम को बहुत दुख हुआ। श्याम बड़े दुखी मन से कंपनी के मालिक के पास गया। अरे साहब, मैंने सुना है कि आप कंपनी बंद कर रहे हैं। आप साहब ऐसा मत कीजिए, हम गरीबों का क्या होगा, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे साहब। साहब हम कम पैसों में भी आपके लिए काम करने को तैयार हैं साहब। नहीं श्याम, ऐसी बात नहीं है, मुझे आप लोगों पे पूरा विश्वास है, लेकिन तुम मेरी मजबूरी को समझो। कंपनी बहुत घाटे में चली गई है और हमें मजबूरी में कंपनी बंद करने का फैसला करना पड़ रहा है। मैं तो तुमसे कहता हूँ कि तुम भी कोई नया धंधा शुरू कर लो। श्याम बड़े दुखी मन से अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो देखता है कि उसका बेटा सोनू घर पर ही है, वो स्कूल नहीं गया। वो सोनू से पूछता है, अरे सोनू, आज तुम स्कूल नहीं गए बेटा, क्या बात है? आज तो तुम्हारा अंग्रेजी का पेपर था ना? पापा, मैं स्कूल कैसे जाऊं? मेरे पास तो छाता भी नहीं है, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। श्याम को अपने बेटे की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके पास बहुत ही कम पैसे बचे थे और आगे कमाई का कोई जरिया नहीं था। वो अपने बेटे को छाता कैसे लाकर देता? आग सेकते हुए बारीक लकड़ियां देखकर श्याम के मन में ख्याल आता है। श्याम रात भर जागकर बारीक लकड़ियों से एक बहुत ही सुंदर छाता बनाता है, जिसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं आ सकता था। वो सुबह अपने बेटे सोनू को छाता देकर कहता है, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक लकड़ी का छाता बनाया है, इसमें तुम बिल्कुल नहीं भीगोगे। थैंक यू पापा। सोनू छाता देखकर बहुत खुश होता है और वो छाता लेकर स्कूल चला जाता है। उसका लकड़ी का छाता देखकर उसके सभी दोस्त बड़े खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने वो छाता कहाँ से खरीदा है। और सोनू ने बताता है कि उसके पिताजी ने उसके लिए छाता खुद बनाया है। लकड़ी का छाता इतना खूबसूरत था कि सभी बच्चे घर जाकर लकड़ी का छाता लाने की जिद करने लगते हैं और सभी लोग श्याम के पास आकर वैसा ही लकड़ी का छाता बनवाते हैं। श्याम ने कुछ ही हफ्तों में काफी सारे लकड़ी के छाते बनाकर बेचे, जिससे उसकी खूब कमाई हुई। अब श्याम को काम की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका लकड़ी का छाता बनाने का काम काफी चल निकला था, जिससे उसकी खूब अच्छी कमाई हो रही थी। और अब श्याम फिर से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।